subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. ये रिपोर्ट देखकर आपका खून खौल उठेगा। 15 जून को दो निहत्थे भारतीय सैनिकों पर चीन ने किया हमला, लोहे की रोड और कंटीले तार वाले डंडों से किया हमला। देखते ही देखते 700 सैनिकों के बीच तब्दील हो गई ये झड़प। हमारा एक सैनिक 5 चीनियों पर भारी पड़ रहा था, उसके बाद जो हुआ वैसा कभी नहीं हुआ होगा। 700 सैनिकों की जंग से सरहद भी रक्त रंजित हो गई। आइए दिखाते हैं आपको 20 जवानों की शहादत की कहानी। 15 जून की शाम के 4 बज रहे थे। लद्दाख की गलवान घाटी में सब कुछ हमेशा जैसा था। कुछ भारतीय सैनिक लद्दाख बॉर्डर पर तैनात थे। तभी अचानक चीनी सैनिकों का एक बड़ा झुंड आया। सबके हाथों में पत्थर, लोहे की रोड़े और कंटीले तार लिपटे डंडे थे और बिना किसी वजह के भारतीय ऑफिसर समेत 2 जवानों पर हमला बोल दिया। भारतीय जवान इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक चीन पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने थर्मल इमेजिंग ड्रोन से पहले ही पता लगा लिया था कि वहाँ कितने भारतीय सैनिक हैं। उस हिसाब से चीन ने 5 गुना ज़्यादा सैनिकों के साथ निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। भारतीय सैनिक चौंक गए और इसका जवाब भी दिया। ये लड़ाई इतनी भीषण थी कि कई सैनिक घाटी से ही नीचे गिर गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से करीब 700 सैनिक वहाँ जमा हो गए। शाम 4 बजे से रात के 12 बजे तक ये हिंसक झड़प चलती रही और पूरा इलाका रक्त रंजित हो गया। IANS के रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक भारतीय जवानों पर जंगलियों की तरह टूट पड़े थे। कुछ जवानों के मुंह पर बंदूक अड़ाकर उन्हें आखिरी सांस तक टॉर्चर करते रहे। चीन के सैनिकों ने सभी तरह के हथियार इस्तेमाल किए। दूसरी तरफ भारतीय जवान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, फिर भी वे बहादुरी से लड़ते हुए हालात संभालने की कोशिशें करते रहे। हमारा एक सैनिक चीन के 5 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। इस जंग में दोनों तरफ से सैनिक बुरी तरह से जख्मी हुए। रिपोर्ट्स बताती है कि इस मिनी वॉर में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और 135 जख्मी, जिसमें 4 की हालत बेहद गंभीर है। वहीं चीन के 40 सैनिक मारे जाने की खबर है, लेकिन उसने ये बात कबूली नहीं है। बताया जा रहा है कि समझौते के तहत चीन को मौजूदा जगह से पीछे हटना था। जब भारतीय सेना के जवान वहां उसे ये सूचित करने पहुंचे, तो धोखे से चीनी सेना ने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था। बहरहाल अब चीन इस गुस्ताखी का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं है, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। टीम खबर अपडेट।